वेलकम बैक टू माय चैनल पीके कला। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ हिंदी स्वर पर कुछ और वर्कशीट्स। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में हिंदी स्वर की कुछ वर्कशीट्स बताई थी, 5 वर्कशीट्स बताई थी, अब आज की वीडियो में मैं 5 वर्कशीट्स और लेकर आई हूँ हिंदी स्वर के ऊपर, जिससे कि आप अपने बच्चों को और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से स्वर के बारे में प्रैक्टिस करवा सकें। ये भी बहुत सिंपल हैं। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं अब आज का वीडियो। हमारी आज की पहली वर्कशीट है चित्र पहचान कर सही अक्षर पर घेरा लगाओ या गोला लगाओ। तो आपको पहले चित्र देखना है। यहाँ पर ये क्या बना हुआ है, मैंने अनार बनाया है यहाँ पे छोटा सा। आप भी इस तरह से छोटी छोटी पिक्चर्स बना सकते हैं और यहाँ पर स्वर लिख सकते हैं और बच्चों से पहचान करने को बोलिए। तो ये क्या बनाया मैंने, अनार। तो अनार इसमें कौन सा है, अ से अनार या आ से अनार। तो इसमें बच्चा देखिएगा अ कहाँ पे है ये, तो इसमें बच्चा देखकर गोल करेगा, इधर गोला लगाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, अंगूर। तो अंग से अंगूर, इसमें देखिएगा बच्चा थोड़ा सर्च करेगा तो अंग से अंगूर इस तरह से। ये क्या है हमारा, ऐसे ऐनक। तो यहाँ बच्चा देखिएगा ओ बना हुआ है, ये ए ये ए, तो ऐसे ऐनक। नेक्स्ट क्या है, ये मैंने बनाया यहाँ पे छोटा सा अजगर। तो अ से अजगर भी होता है और अ से अनार भी होता है। तो आप बच्चों को दोनों वर्ड बताइए, अजगर और अनार। तो अ से अजगर ये यहाँ हो गया, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा, औरत। अ से औरत, ये देखिएगा बच्चा यहाँ पे इधर देखकर उसमें गोला लगाएगा। तो ये हमारी हो गई, फर्स्ट वर्कशीट इज़ कम्प्लीट। और हमारी नेक्स्ट वर्कशीट क्या है, सेकंड वर्कशीट, सही चित्र में रंग भरो। तो इसमें आप भी इस तरह से कोई भी एक स्वर लिख सकते हैं और 2 पिक्चर बना दीजिए। मैंने भी इस तरह से बनाया है, 2 पिक्चर बनाना चाहो या 3 पिक्चर, जैसे एज़ यू विश, आपकी मर्ज़ी है। तो अंग से अंगूर, इसमें बच्चा देखिएगा अंग से अंगूर कौन सा है, ये अंग से अनार तो होता नहीं है, तो अंग से अंगूर पे बच्चा उसे आप कह सकते हैं कि इसमें कलर करना है, रंग भरना है, मीन्स कलर करना है। तो इसमें बच्चा इस तरह से इसमें कलर करेगा, ओके। नेक्स्ट क्या है, आ से, ये मैंने बनाया है यहाँ पे सैड फेस। तो आ से उदास तो होता नहीं है, आ से आम होता है, तो बच्चा इसमें आ से आम में कलर करेगा इस तरह से। जैसा भी बच्चा करे कलर, उसे आप करने दीजिए, थोड़ा बाहर भी निकालेगा पर कोई बात नहीं। इससे क्या होता है, ये वाली जो वर्कशीट्स होती हैं कलर करने वाली, इसमें बच्चे को बहुत मज़ा आता है कलर करने में और वो इंटरेस्ट भी लिखता है वर्कशीट करने में। आराम से आप इस तरह से उसे घर पे बैठे करवा सकते हैं ये वर्कशीट। तो हमारी सेकंड वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई। हमारी नेक्स्ट वर्कशीट क्या है फिर, अलग स्वर में गोला लगाओ। मतलब यहाँ पर आप इस तरह से कुछ भी स्वर लिख सकते हैं, सिर्फ स्वर लिखने हैं, चित्र नहीं बनाए मैंने, इसमें स्वर लिख दीजिए और इसमें जो अलग लगे बच्चे को। जैसे कि ये ए से एड़ी, तो ये से यहाँ पर तीनों सेम हैं और अलग कौन सा है इसमें, ऐसे ऐनक। तो इसमें बच्चों को आप बता सकते हैं अलग कौन सा है, तो इसमें सर्कल करेगा। अब ये यहाँ पर ऊ से ऊन, बड़े ऊ से ऊन, इसमें बच्चा देखिएगा बड़े ऊ से ऊन, ये भी है, ये भी है और ये भी है, ये अलग है। तो छोटे उसे उल्लू, ये अलग है, तो इसे सर्कल करेगा, क्योंकि इसमें जैसे इंग्लिश में होता है ना हमारा ऑड वाले को अलग करना है, तो इसमें भी ये जो अलग दिखे उसको अलग करना है, मतलब गोला करना है। तो इसमें क्या हो गया, नेक्स्ट वाले में आ, और इसमें नेक्स्ट में क्या हुआ, ई से ईख। इसमें बच्चा देखिएगा, इसमें इस वर्कशीट में बच्चा आराम से आधा 1 घंटा ले सकता है, सोच सोच के लिखेगा, समझ के। ये अ से अनार, ये डिफरेंट है। तो हमारी ये वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई। वर्कशीट हमारी क्या हो गई, रिक्त स्थान भरो। तो इसमें वर्कशीट में फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं बच्चे को। तो इससे क्या होगा, उसको सीक्वेंस में लर्न हो जाएगा स्वर करना। तो आप भी इस तरह से बच्चे को लिखवा सकते हैं। इसमें अ के बाद आप पूछ सकते हैं बच्चे को कि क्या आएगा, तो वो बताएगा अ के बाद आ।
तो यहाँ पे वो आ लिखेगा इस तरह से, उ उ। इसमें सोचेगा बच्चा और उसको धीरे धीरे सारे स्वर करने आ जाएंगे सोच सोच के। ई के बाद क्या आता है, ई ई। ऐसे साउंड के साथ बताइए। मैं साउंड के साथ पहचान करना स्वर की ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूँगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये बहुत ईजी रहता है ये वर्कशीट बनाना, बच्चा खेल खेल में कर भी लेता है और उसको सारे स्वर आ भी जाते हैं। तो ए के बाद क्या आएगा, ए ए ए ओ ओ। ऐसे यहाँ पर ए लिखेगा बच्चा इस तरह से। नेक्स्ट क्या है, ओ ओ। ऐसे इस तरह से ये ओ। तो ये क्या हो गया हमारा, हमारी फोर्थ वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई। लास्ट हमारी वर्कशीट क्या है, स्वरों को जोड़कर चित्र पूरा करो। तो इसमें क्या है, मैंने एक पिक्चर बना दी है यहाँ पे आम की, तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं। आम बना लो या अम्ब्रेला बना लो या बटरफ्लाई बना लो, कुछ भी जैसे भी आपको मन करे। आम मैंने इसलिए बनाया कि बहुत इजी रहता है बनाने में बच्चे को और कलर करने में भी आसानी रहती है, उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, तो बच्चा आराम से इसे कर लेगा। इसमें मैंने सारे स्वर लिखे हैं, तो इसमें आप जो यहाँ पे मैंने स्वर लिखे हैं इनसे बच्चे को कहो कि आप देख देख के इसमें मिलाए और उसको सारे स्वर करने भी आ जाएंगे। ये बहुत अच्छी वर्कशीट है, जब उसको बच्चे को सारे स्वर करने आ जाएँ तो आप उसे खेल खेल में ये ड्राइंग की ड्राइंग हो जाती है और वर्कशीट में इसमें स्वर भी बच्चे को अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। तो इसमें हम देखते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले बच्चा करेगा अ, अ के बाद क्या आया, आ। फिर ई, ई। ओ, ऐसे बिंदु से बिंदु मिलानी है, ऊ। फिर ऊ के बाद क्या आया, ए। फिर ये ए, ए के बाद क्या आया, ओ, ओ, अंग। और ये अंग के बाद अहा, और लास्ट वन इज री। और ये पूरा हमारा क्या बन गया, एक क्या बन गया, ये आम बन गया। आ से, आप पूछ सकते हैं बच्चे से, बेटा ये क्या बना हमारा, आ से आम। और इसमें आप चाहें तो इसमें बच्चे को कलर भी करा सकते हैं, तो बच्चा इसमें आराम से खेल खेल में ये सारे ज्वाइन भी कर लेगा उस पर और उसे इसमें कलर भी कर लेगा बहुत आराम से। ऐसे आप उसे कलर भी करा सकते हैं, ऐसे ये हमारा कलर कर लिए हमने इसमें। मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, थोड़ा बच्चा थोड़ा आराम आराम से करेगा तो उसे आराम से ये करने में उसको मज़ा भी आएगा कि वो मैंगो बना रहा है, आम बना रहा है, आ से आम। और ये वर्कशीट भी इस तरह से हमारी कंप्लीट हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने 5 वर्कशीट और अलग से आपको स्वर के बारे में बता दी। जो मैंने लास्ट वर्कशीट बनाई थी स्वर के बारे में ही थी, उसमें भी 5 वर्कशीट्स थी, वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं, जो 5 वर्कशीट मैंने लास्ट वाली बताई थी। तो 5 मैंने और आज की वीडियो में बता दी स्वर के बारे में, जिससे आप अपने बच्चों को और आसानी से ईजीली ये सब चीज़ें करवा सकें। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम तब तक नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।